माई क्लास चैनल, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास। स्टेटमेंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स टू किलोग्राम्स। ये ग्राम्स है, ग्राम्स की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है जी। ओके, हमने इसको किलोग्राम्स मतलब केजी में कन्वर्ट करना है। पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें मैंने किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट किया था, केजी को जी में कन्वर्ट किया था। ओके, तो जब हम केजी को जी में मतलब किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो नंबर गिवन होता है ना उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है, ग्राम्स से किलोग्राम्स में जाना है। पहले हम किलोग्राम से ग्राम्स में गए थे, अब ग्राम से किलोग्राम्स में। तो जब आपने किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 1000 से। अब आपने ग्राम्स को जब किलोग्राम्स में करना है तो आपने क्या करवाना है, 1000 से डिवाइड करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 10 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कर देंगे 5 10 को डिवाइड 1000 से। तो जब हम 1000 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको आपको कैलकुलेटर पे अगर करना है तो ठीक है, और अगर नहीं करना तो आप इस तरह कर सकते हैं, 5 10 को अंदर रखें, 1000 से डिवाइड करवा दें। और अगर आपने डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट का ये होता है, जब हमारे पास 1000 होता है ना डिनोमिनेटर में और हमने डेसिमल में आंसर लिखना होता है, फिर हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ है ना तो हमें जो नंबर को क्या बनाना होता है, 3 decimal places बनाना होता है, मतलब पॉइंट के बाद 3 digits। तो क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 1000 है, 3 ज़ीरोज़ हैं, समझ आ गया। तो हम जब न्यूमरेटर में देखें 5 10 है, इसको हम क्या बनाएंगे, 3 decimal places बनाएंगे। तो ये तो 3 numbers ही हैं, हमारे पास 3 digits ही हैं, तो यहाँ पर ये आ गए 3 digits। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट से पहले हमारे पास यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं है बिकॉज़ ये 3 digit number है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख लिया। हमने इसको 3 decimal places ही बनाना था, पॉइंट के बाद 3 digits, तो ये तो 3 digits ही थे। अगर यहाँ पर 1 भी होता तो हमने यहाँ पर 1 पॉइंट से पहले फिर आना था, वो यहाँ पर नहीं आना था पॉइंट के बाद, समझ आ गया, क्योंकि हमें नंबर को 3 decimal places बनाना था, 4 decimal places नहीं बनाना, मतलब पॉइंट के बाद 3 digits। ये आ गए, पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे। और हमने ग्राम्स को कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम्स में केजी में, समझ आ गया। तो इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह 20 ग्राम है, इसको हमने कन्वर्ट करना है केजी में किलोग्राम्स में, तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करवा देंगे 1000 से। इसी तरह आपके पास कोई भी नंबर है आप इजीली उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर भी यही हो जाएगा कि हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं तो हमें आंसर को 3 decimal places बनाना है। तो हमारे पास ये तो 2 digits हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स ये कितने हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों को तो लिखेंगे, 0 और 2 को लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे तो 3 थे तो हमने क्या किया, इसको 3 decimal places आंसर को बनाना था तो हमने बना दिया 3 digits, इधर लिख दिया पॉइंट के बाद। ओके, तो यहाँ तो सिर्फ 2 digits हैं, अब हम यहाँ पे क्या लिखें, तो हम जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 0 ले लेते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो अब देखें 3 decimal places बन गया ना, पॉइंट के बाद 3 digits आ गए ना। अब पॉइंट से पहले भी कुछ नहीं तो यहाँ भी 0 लगा लें, समझ आ गया। और अगर आपने डायरेक्ट करना है, जिस तरह भी करना है, तो अगर डिवाइड करके करना वो भी कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको ये बता दिया कि इस तरह कैसे करते हैं, और केजी में ये कन्वर्ट हो गया, समझ आ गई। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम्स में। तो अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।